मुझे लगता है डोगरा अस्मिता को लेकर जिस तरह से निंदनीय बयान राहुल गांधी ने दिया है उस महाराजा के बारे में जिसके वजह से जम्मू एंड कश्मीर भारत का एक अहम हिस्सा है, मुझे लगता है कुछ सोच समझकर उनको बोलना चाहिए था। उन्होंने जिस तरह से एंट्री की है चुनाव में जम्मू एंड कश्मीर में, वो उन्होंने तौहीन की है यहाँ के रूलर की, यहाँ के डोगरा राजा की, जिसको जो लोकप्रिय थे हिंदुओं में भी और मुसलमानों में भी, मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट के वो डोगरा हिंदू किंग थे। सोचिए किस तरह की बात उनके बारे में कही है। ना सिर्फ ये, उन्होंने जिस तरह से कहा है कि वो स्टेटहुड देंगे, सबसे पहले तो जब ये यूटी बनी थी तभी उसका प्रॉमिस था कि वो स्टेटहुड होगा, और जाहिर है जब जब यूटी होती है तो एलजी होता है। तो संविधान को लेकर इस तरह की अज्ञानता, वो इंसान जो संविधान की प्रतियां लेके जगह जगह घूमता है, वो इंसान कह रहा है कि वो राज्य सरकार जो है अब वो स्टेटहुड देगी, राज्य का दर्जा देने के काबिल होगी, ये तो उसका ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अ स्टेट गवर्नमेंट टू एक्चुअली यू नो प्रोवाइड स्टेटहुड, टू गिव स्टेटहुड and that status to anybody. And the fact of the matter is that it's already been done. It has been stated in the parliament. So I don't know what Rahul Gandhi is doing. Is he dreaming and sleeping in the parliament instead of paying attention to what's going on in this country? To come here and to say and to actually insult the pride of Dogras and Kashmiris and in a way mock Raja Hari Singh and say something to the effect of that, you know, humne to Raja Maharaja hataye the. Aapne Maharaja ko bitha diya hai. Who is that Maharaja? LG? If it's a UT, it will have to be the LG, right? If it's a state, it will have to be a governor. This has already been stated in the parliament. So who is Rahul Gandhi who will take away statehood or give statehood? Is it even possible? So I wish he read the constitution before he started talking about it and roaming around with it and flouting it and bandying around it.